feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. दोस्तों वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो अभी मैंने आपको कहा था कि शासन गिर हम आएंगे, तो अभी शासन के अंदर है। वैसे तो बहुत हम आगे आ चुके हैं, लेकिन अभी आपको नज़ारा दिखा था। तो ये देखिए, यहाँ से हमें और अंदर जाना है। हम इस तरफ से आए थे और यहाँ पर ये देखिए सब कुछ, वहाँ पर स्विमिंग पूल है और यहाँ पर पूरा मतलब ग्रीनरी टाइप है। और ख़ास करके हमारा दोस्त देखे यहाँ पर, ये देखिए, तो इसे तो आप पहचानते हो, लेकिन ये वो सफ़ेद उंदर है। और यहाँ पर मम्मी और मेरी मौसी जी वगैरह सब है, और काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि गिर जो सामान्य तौर पर जिसके लिए फेमस है, हम आज उसी के लिए आए हैं खास करके। तो जो नेचर है, और ये तो आप मतलब देखे वहीं पर है, तो काफ़ी। और मम्मी और मौसी जी देखे दोनों, ये दोनों मतलब झूला झूलते हुए। और ये तो इन्हीं की मतलब काम वगैरह सब कुछ कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। और बाकी का आगे का आप लोग एंजॉय कीजिए, मज़ा आएगा आप सभी लोगों को आज का व्लॉग देखने में। तो अभी शासन गिर नेशनल पार्क जो सेंचुरी वगैरह है, हम वहाँ पर आ पहुँचे। ये देखे मेरे पीछे का जो भी पूरा है, तो वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से मतलब अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप शेर हो, तो उसके मतलब हो, तो यहाँ पर शर्ट वगैरह मिल जाएगा, सब कुछ, शॉपिंग सेंटर। और देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए, ये ऐसे हमें ओपन जीप में, जिप्सी में हमें जाना होता है। और काफ़ी अच्छा लोकेशन है, और काफ़ी अभी देखिए ट्रैफिक, ये देखें ये सारी गाड़ियाँ, ट्रैफिक है, और ये पूरा व्यू है, ये देखिए। इट इज़ वन टाइप ऑफ रिसोर्ट। और हाँ, एक और बात हमें यहाँ पर आकर पता चला, ऑनलाइन ये जो ओपन जिप की बुकिंग है वो ऑनलाइन करवा दीजिएगा, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि अभी बहुत ट्रैफिक है तो फुल है। जब भी कभी आप ऐसे सीजन में आप आते हो, तो ज़रूर से ऑनलाइन बुकिंग करवा दीजिए, वरना हमारी तरह आपको यहाँ पर आकर सब कुछ करना पड़ेगा। I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wished that we never met, but you act like we never got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride, and we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. दोस्तों अभी बहुत ही मज़ा आया पानी में नहाने का। स्विमिंग पूल है, छोटा सा स्विमिंग, ये देख रहे हो। तो ये सब कुछ शासन गिर में पॉसिबल है, और बहुत ही मज़ा आता है नहाने के बाद खाने का मज़ा है, क्योंकि बहुत बहुत भूख लगी है। तो खाएंगे, एकदम देसी खाना खाएंगे, और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और ये देखिए पीछे का पूरा व्यू, ऐसा लगा ही नहीं कि गर्मियों के सीज़न है वगैरह कुछ है, लेकिन बहुत मज़ा। अभी आज वो क्या है कि शासन गिर में अभी बहुत ही फुल बुकिंग शुरू है, तो अभी हम एशियाटिक लाइन वगैरह हम कुछ भी देखने नहीं जाने वाले। हम जाने वाले हैं सीधा यहाँ से सोमनाथ, और फिर रात को वापस, और कल फिर से आएंगे, लेकिन कल एक नए व्लॉग में। तो इस व्लॉग को यहाँ से हम डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे सोमनाथ महादेव, फिर देखते हैं कि कैसा कौन सा दिन रहता है, कैसा वक्त रहता है हमारे पास आगे व्लॉग करने का। लेकिन आपका बाय, व्लॉग शुरू रखेंगे,
और आप सब लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर करता रहेगा। तो चलिए अब जाकर थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं ताकि आगे फिर से आकर हम नहा सके। था कि हम वेरावल सोमनाथ आने वाले हैं, तो सोमनाथ आप पहुंचे हैं। अभी पीछे बीच के ऊपर हम हैं और महादेव का मंदिर आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे हो, ये सोमनाथ महादेव मंदिर है जो कि बहुत दूर है कुछ, लेकिन ये जूम यहां से अभी ऐसा ही दिखेगा। मेरे पीछे ये सब कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, इस तरफ भी है ये देखिए, और दूर देख सब कुछ। तो ये पूरा सीन है जो अभी आप देख रहे हो, तो एंजॉय कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो एंजॉय। इसका इतिहास बहुत पुराना है, बहुत मतलब प्राचीन है, और इतना कह सकता हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पवित्र और सबसे मुख्य ज्योतिर्लिंग ये है। इसके पीछे का इतिहास बहुत है, लेकिन हम इसका एक स्पेशल से अलग से व्लॉग बनाएंगे। ये तो हम जर्नी ट्रिप का वाला व्लॉग है, तो इसके अंदर मैं इतिहास को इंक्लूड नहीं करना चाहता। बाकी सब यहाँ पर आप देख रहे हो, भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये सब कुछ माहौल आप जो देख रहे हो ये सब कुछ। तो भी अगर कोशिश करते हैं पहले वेरावल जाएंगे, उसके बाद अगर भालका तीर्थ हो सकते हैं, भालका तीर्थ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंतिम सांस ली थी, तो हम वहाँ अगर पहुँच सकते हैं तो जाएंगे, वरना फिर कभी वापस आएंगे सिर्फ भालका तीर्थ लेने। अभी एंजॉय कीजिए आप लोग। तो जैसे आपको कहा था, हम भालका तीर्थ में अभी है। तो आपका जो अभी आरती का समय था, तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। वहाँ पर अंदर पीपल का पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंतिम सांस ली थी, उनका शरीर वहीं पर दफन है ऐसा माना जाता है। और भालका तीर्थ नाम के पीछे भी एक इतिहास है, उनके पैर के अंदर तीर लगा था और भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंतिम सांस इस जगह पर लिए थे। तो अब मैं आपको पूरा मंदिर बाहर से आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा मंदिर है वहाँ से लेकर, और ये पूरा मंदिर है आप देख रहे हो अभी। तो अभी आपको पूरा इतिहास अभी नहीं बताऊँगा, अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये मंदिर है, ये भालका तीर्थ है। इसका और सोमनाथ का अलग अलग सेपरेट व्लॉग पूरा इतिहास के साथ मैं आपको बनाकर, लेकिन अभी ये जर्नी ट्रिप है, तो अभी मैं आपको ये सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि ये मंदिर ऐसा है। वेरावल के पास स्थित है भालका तीर्थ, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आप ये मेरे पीछे इसकी छवि देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है और पवित्र मंदिर है। सुबह अभी हमने 7-10 बजे से आरती शुरू होती है, और काफ़ी पवित्र मतलब महसूस हो रहा है, और काफ़ी अच्छा लगा। आज की ट्रिप भी काफ़ी अच्छी रही। तो अभी अब हम वापस घर जाने वाले हैं दोस्तों। तो इस व्लॉग को इसी पवित्र जगह पर हम एंड करते हैं, और मिलते हैं कल सवेरे एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ, और एक नए और अमेजिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।